उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से खबर सामने आई है, जहां लहरपुर क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों एवं घटनाओं के बाद एक बार फिर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि बीती रात कुछ सशस्त्र बदमाशों ने नगर के लगभग आधा दर्जन मकानों पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए का माल साफ कर दिया। रात का टाइम था, एक आदमी था, लंबा था, सफेद रुमाल मुंह में बांधे हुए था और रात में दो बार किसी लोहे के हथियार से जो है दरवाजे किया और मम्मी ने जागा, जब बोला उसने तो खड़ा ही था यहीं पर, हम लोग आए उसके बाद दोबारा फिर जब हम गाली वाली देने लगे, मेरा भाई आ गया, उसने देखा कि खड़ा था तो उसने गाली दिया, मैंने भी देने हाँ था भाई, उसने और इधर से आ गए बंदे मार रहे थे औजार किसी को प्रकार के, तोड़ दिया था कटी हुई जंजीर को मार कर, ये दिखा रहे हैं ये जो है पता नहीं कैसे डाल कर तोड़ दिए, दरवाजे खुल गए तो हम लोग दरवाजे रोक लिया, इतने में जो है अल्लाह अल्लाह चला आया अल्लाह मेरा हाँ भतीजा सुखदेव पा गए, अकेले यहीं खड़े थे, हमें लगा कि सब चले गए होंगे, उसको अकेले यही पा के उसको मारने लगे लाठी से, उसके चोट आई है उसके मम्मी के हाथ पे मार दिया, घट्टा टूट गया, फायरिंग वगैरह भी हुई है क्या? हाँ, फिर जब वो चिल्लाया अपनी मम्मी ने तो हम लोग फिर दोबारा जो है करे हैं तो बंधा जी चार बंदे थे, ये थे आप लोग भाई, पांच बंदे हम लोग मारो अच्छे से, हम लोग मारना चालू था, वो फायर किया उन्होंने, दो फायर किए उसने, जब हम लोग अंधा मारने लगे तो वो जो दो फायर किया तो हम लोग जो है पीछे बैठ ले लिया, पीछे सर पे से अंदर चला, सर पे चले गए हल्ला। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची घटना की? तीन एक घंटे बाद लगभग वैसे ही कॉल किया है 15 मिनट। क्या नाम है आपका? रामपाल। बताइए क्या है पूरी घटनाक्रम? यहाँ पर 2:30 बजे में चोर बदमाश पहले थे तो सामान ले गए, झुमकी गए, करधनी गए, पायल गए, 18,000 रुपए रखे थे मौजूदा घर में और इसको मारा पीटा है, भैंस ले गए यहाँ पल्ला साफ करने जा रहे थे। क्या सलेह भी थे उनके हाथों में? हाँ सलेह भी थे, तो इनको डरवाना और दबा गया था कि अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें मार डालेंगे, ये बता दें। हाँ नीरज धीरे से।